स्वागत है आपका द फेक टाइम में। लगातार आपकी मुलाकात जनता से करवा रहे हैं, आज भी आपकी सीधी बातचीत जनता से करवाएंगे। आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े रहने के बाद। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कोमल है। मैम कहाँ से आई हैं? मैं हिसार से आई हूँ। मैम कितना टाइम हो गया डेरा सच्चा सौदा से जुड़े? 12-13 साल हो चुके हैं। मैम आप इतने टाइम से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं, तो क्या कारण है कि आप इतने टाइम से यहाँ पर आती हैं? हमें यहाँ पर शांति मिलती है, प्यार मिलता है, यहाँ पे एक तरह का उत्साह अलग ही है। पिताजी को देखकर नूर आता है चेहरे में, सास संगतों को देखकर नूर आता है, ऐसा लगता है जैसे एक अच्छे से स्वर्ग जगह में आ गए हैं। पिताजी हैं तो सब कुछ है, पिताजी नहीं तो शायद हम सास संगत नहीं हैं। मैम कुछ साल पहले संत जी पर कुछ आरोप लगाए गए थे, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? पिताजी पर जो आरोप लगाए हुए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं, क्योंकि पिताजी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। सब सारी जनता जानती है, हम जानते हैं, सब जानते हैं, खुद पिताजी भी जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं है। एक्चुअली सारे संत जो हैं वो सब बेबुनियादी हैं, पिताजी भी बेबुनियाद पर आरोप लगाया जा रहा है। तो मैं सिर्फ सरकार से यही कहूँगी कि प्लीज़ पिताजी को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए, उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत है, पूरी सास संगतों को उनकी ज़रूरत है। मैम आपके हिसाब से समाज की भलाई के लिए ऐसे यहाँ पर कौन से कार्य चलाए जाते हैं? पिताजी ने पौधारोपण लगाया, ऑक्सीजन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आजकल पेट काटे जा रहे हैं, हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिताजी ने पेड़ लगाया हुआ है, भ्रूण हत्या रोकी गई है, बेटियों को आगे बढ़ाया गया है, इससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता है। बेटी को हमेशा पीछे करा गया है, लेकिन बेटी को हमेशा पिताजी ने आगे किया है। यहाँ तक कि सास संगत जितनी भी है वो सिर्फ उनको सिर्फ पिताजी ही, उनको सिर्फ ये है कि पिताजी हैं तो हम हैं, पिताजी नहीं हैं कुछ भी नहीं है। तो मुझे भी यही है, विश्वास है अपने पिताजी पर कि पिताजी ज़रूर आएंगे, और हाँ पिताजी ने कहा भी था कि वो आएंगे ज़रूर, और हमें दिल से विश्वास है कि पिताजी एक दिन ज़रूर आएंगे बाहर। और जितने भी सबूत हैं उन पर, जितने भी बेबुनियाद के सबूत लगे उन सबको झूठा कर कर एक दिन ज़रूर आएंगे यहाँ पर। हम गवर्नमेंट से आप क्या अपील करना चाहती हैं? गवर्नमेंट से सिर्फ यही अपील है कि पिताजी को जरूर जल्दी से जल्दी भेजा जाए हमारे पास। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि जनता की सिर्फ एक ही मांग है कि जल्द से जल्द संत जी को बाइज्जत बरी किया जाए। ऐसे ही फैक्ट्स को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द फेक टाइम में।